गेवल थाना पुलिस के खिलाफ लगाए आरोप। बलात्कार के मामले में लीपापोती पर रोष, अपराधियों को संरक्षण देने का लगा आरोप। गेवल थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुए बलात्कार के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने में ढिलाई बरत रही पुलिस के खिलाफ आक्रोशित ग्रामीणों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने आए ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नामजद रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद पुलिस कार्रवाई करने में गुरेज कर रही है। जब पुलिस के समक्ष इस मामले को ग्रामीण लेकर पहुंचते हैं तो पुलिस उन्हें फटकार कर भगा देती है, जबकि अपराधी को संरक्षण दे रही है। उसका मामा एक तरीके से रसूखदार आदमी है, उसके दबाव के अंदर ना तो केवल थाने से कोई कार्रवाई होती है और थाने के अंदर हम जाते हैं तो हमारे को ये कहा जाता है कि तुम्हारे कहने से ये थोड़ी दर्ज हो जाएगा कि ये बलात्कार हुआ है, इसकी हम तफ्तीश करेंगे, उसके बाद में जानकारी देंगे कि हुआ है नहीं हुआ है। हमारे पास अभी तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, ये कह रहे हैं, उनका कहना ये है। और हम जाते हैं तो हमारे को कहते हैं कि आप उसकी आरोपी की फ़ोटो ला के दो हमारे को, और हमने उनको यहाँ तक बता दिया है कि आरोपी कहाँ पे छुपा हुआ है, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप क्या जाते हैं 18 दिन में एक 18 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक। थाने से हम कसम पूछते हैं किसी प्रकार का कोई वो कार्रवाई नहीं की जा रही है वहाँ से। आपका नाम बताओ। मेरा विनोद यादव नाम है।